कोयल के जादुई पंख। रवि ठाकुर साहब के बगीचे के पेड़ों में पानी देकर जैसे ही घर में आया, पिता की दर्द भरी आवाज उसके कानों में पिघलते हुए शीशे की भांति आकर टकराई। उसके पिता ठाकुर के बगीचे में माली का काम करते थे। बाबा, क्या हुआ आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? बेटा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी अस्पताल लेकर चलो। ठीक है, मैं अभी कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। रवि पड़ोस वाले रामेश्वर काका के पास गया। काका, मुझे जल्दी से 500 रुपए दे दो, मैं आपको कल लौटा दूंगा। बाबा को अस्पताल ले जाना है, वो दर्द से तड़प रहे हैं। रामेश्वर भला आदमी था, उसने 500 रुपए की नोट निकाली और उसे थमा दी। रवि पिता को लेकर जल्दी से पास वाले सरकारी अस्पताल पहुंच गया। इमरजेंसी में जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता को दिल का माइनर अटैक पड़ा था, पर अब ठीक है, लेकिन 6 महीने के भीतर उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कितना पैसा लगेगा? 50,000 लग जाएगा। 50,000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अब पिता को बचाने के लिए पैसे तो जुटाने ही होंगे। रवि पिता को लेकर घर आ गया। पिताजी तो ठीक थे, पर रवि की आंखों में नींद नहीं थी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से बाबा ने माँ के जाने के बाद उसका पूरा पूरा ख्याल रखा था। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? एक बार चलकर ठाकुर साहब से पैसे मांगता हूँ, आखिर बाबा उनके बगीचे में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। रवि ठाकुर साहब के पास गया। क्या बात है रवि, आज तुम यहाँ? ठाकुर साहब, मेरे बाबा के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अरे, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ दे सकता हूँ? अपने बाबा से कहो आराम करें, मैं कोई और माली रख लूंगा। रवि वहाँ से आकर घर के पीछे बने बगीचे में जाकर आंसू बहाने लगा। तभी उसे आम के पेड़ पर कोयल की कू कू की आवाज सुनाई पड़ी। तुम तो बड़ी खुशी खुशी गाना गा रही हो, पर मेरा दुख किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरे बाबा बीमार हैं, मैं उनके ऑपरेशन के लिए कहाँ से पैसे ले आऊँ? कोयल आकर उसके सामने बैठ गई। तुम इतने उदास क्यों हो? कौन बोला? ये आवाज किसकी है? सामने देखो, मैं ही बोल रही हूँ। तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल सकती हो? तुम अपनी बात बताओ। मुझे मेरे बाबा के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा? बस इतनी सी बात, पर तुम इतना रो रहे हो। तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी, पर मेरे बाबा मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक पंख देती हूँ जो कि जादुई है, इससे तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर एक दिन में सिर्फ 2 ही इच्छा पूरी होगी। एक बात का ध्यान रखना कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। तुम्हारे ये पंख मेरे किसी काम के नहीं है, ऐसे कितने पंख मैं बगीचे की सफाई करते समय कूड़े में फेंक देता हूँ। मेरे ये पंख साधारण नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मेरा एक पंख नोचना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। रवि, तुम एक बार कोशिश तो करो। तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? मैं जा रहा हूँ, मैं मजदूरी कर लूँगा, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी कोयल ने 3 बार अपनी जगह पर चक्कर लगाया और एक गुलाठी भरी, उसका एक पंख टूट गया। ये तुमने क्या किया कोयल रानी? मेरे पंख को उठा लो। रवि ने जैसे ही वो पंख उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पंख तो तरह तरह के हीरे मोतियों से जड़ा हुआ और बहुत भारी था। तुम हो कौन? उसने सिर उठाकर देखा तो कोयल उड़ गई थी। रवि पंख हाथ में लेकर घर के अंदर आ गया। बाबा, ये देखो, मुझे कोयल ने अपने जादुई पंख दिए हैं। जादुई पंख? मतलब आजकल के जमाने में जादुई कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बाबा, ये सचमुच जादुई है। अच्छा रुको, मैं इससे कुछ मांगता हूँ। जादुई पंख, जादुई पंख, मुझे आइसक्रीम खानी है। पलक झपकते ही आइसक्रीम हाजिर हो गई। रवि ने मुंह में डाला तो, बाबा ये सचमुच की आइसक्रीम है, आप भी खाकर देखो। बाबा ने भी थोड़ी सी आइसक्रीम लेकर मुंह में डाली। अरे वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। जादुई पंख, जादुई पंख, हमें 50,000 रुपए चाहिए।
पलक झपकते ही 50,000 रुपए उनके सामने आ गए। बाबा चलिए अब हम कल ही ऑपरेशन करवा लेते हैं, शायद इसीलिए कोयल ने हमारी सहायता की है। तुम ठीक कहते हो। रवि दूसरे ही दिन डॉक्टर के पास गया और बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे भर दिए। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हो गया। एक हफ्ते में ही वो घर आ गए। ठाकुर साहब ने देखा कि रवि ने अपने पिता का ऑपरेशन करवा लिया तो इतने पैसे कहाँ से लाए? मैंने अपने एक दोस्त के पिता से उधार लिए थे। ठाकुर साहब को उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो जाकर बगीचे में टहलने लगे। फिर वो रवि के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चले गए। बाबा हमें अब ठाकुर साहब की नौकरी नहीं करनी है, हमारी जरूरत पर उन्होंने मदद नहीं की, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? बाबा मैं जादुई पंख से कहता हूँ हमारे लिए कोई इंतजाम कर दे। देखता हूँ कैसा है इनका जादुई पंख। रवि ने तुरंत जादुई पंख निकाला और बोला, जादुई पंख जादुई पंख, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। अचानक एक जोर का झटका लगा और उनका छोटा सा घर एक आलीशान कोठी में बदल गया, जिसके पीछे एक बहुत खूबसूरत बगीचा था और एक सुंदर सा सरोवर भी था, जिसमें तरह तरह के कमल के फूल खिलते थे और सुनहरी मछलियाँ तैर रही थी। बाबा ये तो कमाल हो गया, हम तो बड़े आदमी हो गए। ठाकुर साहब तो हैरानी से अपनी कोठी की तरफ भागे। जब उनकी सांसें थोड़ी संयत हुई तो उन्होंने माली और उसके बेटे को बुलावा भेजा। रवि बाबा के साथ उनके घर गया तो तुम्हारे पास कोई जादुई पंख है? मुझे दिखाना। तो वो तो मैं घर पर ही रख कर आ गया हूँ, मैं जल्दी से जाकर ले आता हूँ। बाबा आप घर चलो, आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, जल्दी लेकर आओ। रवि बाबा के साथ घर आया तो बाबा अब क्या करें? अगर ठाकुर साहब को जादुई पंख मिल जाएगा तो वो उसका गलत उपयोग करेंगे। तुम पंख ले आओ। रवि पंख ले आया। जादुई पंख तुम ही हमें इस मुसीबत से बचाओ। रवि पंख लेकर ठाकुर साहब के पास गया। जादुई पंख मुझे बहुत सारा सोना दे दो। उन्होंने इतना कहते ही उनकी कोठी जोर जोर से हिलने लगी और एक तरफ की छत भर भरा कर गिर गई। अरे ये क्या हो गया, ले जाओ इसे जल्दी यहाँ से। ठाकुर साहब आप चाहें तो जादुई पंख अपने पास रख सकते हैं। मैंने कहा ना अभी इसे मेरी आँखों से दूर कर दो। रवि मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने बगीचे में आ गया और सरोवर में पैर डालकर बैठ गया। तभी उसके कानों में कोयल की कू कू की आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ हो तुम, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कोयल उसके पास आ गई। रवि ने हाथ बढ़ा तो उसके जैसे ही उठाया वो एक परी में बदल गई। तुम कौन हो? मैं परीलोक से यहाँ घूमने आई थी, उस दिन तुम मुझे मिल गए, मैंने अपना रूप बदल लिया है। मैं तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर तुम्हें अंदर पशु पक्षियों के प्रति दया नहीं होगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए इसलिए मैं तुम्हारी मदद की। अच्छा अब आ ही गई हो तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलाना चाहता हूँ। ठीक है चलो, पर रोने से पहले ही मुझे परीलोक जाना होगा। दोनों घर में आए तो बाबा ये देखो जादुई पंख देने वाली परी हमारे घर आई है। परी बिटिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? हाँ बिटिया तुम्हारा ही घर है, मेरे लिए जैसे रवि है वैसे ही तुम भी हो। मैंने पृथ्वीलोक पर इतना अच्छा परिवार नहीं देखा, अब से मैं रोज आपके पास आऊंगी, पर मैं चाहती हूँ आप लोगों के पास इससे भी अच्छा घर हो, जहाँ मुझे आने जाने में कोई रोक टोक ना हो। परी ने छड़ी घुमाई और वो लोग एक खूबसूरत महल में पहुँच गए। अरे हम कहाँ आ गए? अब से तुम दोनों यही रहोगे, यहाँ ना ठाकुर की ताकत झांक होगी ना तुम्हारे सुख से कोई जलने वाला होगा। मैं रोज आऊंगी और हाँ रवि यहाँ से तुम्हारे स्कूल भी पास में है, बाबा की सेवा के लिए ढेरों दास दासियाँ हैं। अब मैं निकलती हूँ। परी जा चुकी थी। रवि और उसके बाबा नए महल में घूमकर अपनी किस्मत पर इतरा रहे थे। परी अपने वायदे के अनुसार रोज आती।
उसके रवि के स्वरूप में एक भाई मिल गया था। जादुई पंख ने रवि और उसके बाबा के जीवन में खुशियां बांटकर भर दी थी।